factors on which the resistance of a conductor depends. तो हमने देखा कि कोई भी कंडक्टर जो है वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो आयंस के अट्रैक्शन में भी रहते हैं, आपस में या आयन से टकरा सकते हैं, और इस कारण से उनके फ्लो में एक रुकावट आती है। अब अगर एक कंडक्टर है किसी गिवन डायमेंशंस का, गिवन लेंथ एरिया का, तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो हम ऐसा देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक सिंपल सर्किट है, और हम दो पॉइंट्स हैं इनके बीच में अलग अलग एलिमेंट्स अगर लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगर हमने एक कॉपर वायर ली और उसको यहां पे कनेक्ट की एल लेंथ, तो एल लेंथ की अगर हम वायर लेते हैं उसको कनेक्ट करते हैं तो करंट हमें कुछ मिलेगा। तो जैसे मान ले हमने जो मटेरियल लिया वो लिया कॉपर, ठीक है, दिस इज मटेरियल, लेंथ जो है वो ली हमने, तो एमीटर की जो रीडिंग है दैट इज करंट, वो हमें कितना मिलेगा। तो मान लो आई मेजरमेंट आया, अब इसी की जगह अगर हम कॉपर वायर लेते हैं 2L लेंथ, तो अगर कॉपर वायर हमने 2L लेंथ की ली, ठीक है, और इसमें हम एक और चीज मेंशन कर सकते हैं कि उसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये अगर ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये वायर है, वायर तो ऐसे है तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसको अगर हम परपेंडिकुलरली कट करेंगे तो ये एक क्रॉस सेक्शन है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर अगर हम कट करेंगे तो एरिया अपने को मिलेगा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। तो इसका एरिया जनरली वायर सिलेंड्रिकल है तो उसको ऐसे कट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, तो सर्कल का एरिया क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया हमने सेम रखा तो हम देखते हैं जो करंट की वैल्यू है वो लगभग आधी हो जाएगी, फिर ठीक है, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में हमने एक बार कॉपर वायर लगाई, ठीक है, कॉपर के लिए सिंबल होता है सी, इसकी लेंथ एल रखी, एरिया ए रखा, तो करंट इतना, फिर इसी में हमने 2L लेंथ की एक वायर कनेक्ट की, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में, या तो हम ऐसा मान लें उसको हमने इस तरह से एक वायर कनेक्ट की है, कॉपर की ही लेंथ डबल कर दी, एरिया हमने उतना ही रखा, तो करंट आधा हो गई। फिर हमने एक और कॉपर वायर ली जिसकी लेंथ एल ली, एरिया डबल कर दिया, एरिया डबल कर दिया तो हमने देखा करंट जो है वो लगभग ट्वाइस हो गया, तो सेम लेंथ की हमने कॉपर वायर ली लेकिन थोड़ी सी मोटी ली, तो है कॉपर वायर लेंथ एल रखी, एरिया डबल, तो इसके कंपेरिजन में लेंथ तो सेम है, एरिया डबल कर दिया तो करंट भी कितना हो गया, डबल हो गया। फिर हमने कोई और वायर ली, जैसे हमने एल्यूमिनियम वायर ली, एल्यूमिनियम के लिए ए एल सिंबल यूज करते हैं, एल लेंथ ए एरिया, तो करंट की कुछ डिफरेंट वैल्यू आ गई, इसको हम कुछ आई वन बोल देते हैं, मतलब वो करंट हमें नहीं मिला जो हमें इस केस में मिला था कॉपर के, इनफैक्ट उससे जो हमें करंट है वो कम मिला। तो ऐसे हमने कुछ वेरिएशंस करके देखा कि जो करंट है वो वायर की ज्योमेट्री पे या जो कंडक्टर है उसके मटेरियल पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो इससे हमें क्या पता चला, एक तो ये पता चला कि जो करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, करंट
चेंज कर रहा है, यदि हम वायर की लेंथ चेंज कर दें, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दें, या फिर उसका मटेरियल चेंज कर दें। अब करंट कैसे चेंज करेगा, तो हमने देखा है अगर सेम वोल्टेज की बात करें, फॉर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस करंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। यानी कि करंट अगर हमें डिफरेंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, रेजिस्टेंस चेंज हुआ होगा, यानी कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एक तो लेंथ पर, एक एरिया पर, और एक मटेरियल पर। तो ये हमें इससे पता चलता है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है मटेरियल का, वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर depends on first length of conductor, second cross sectional area of conductor, इसको हम ऐसे denote करते हैं, इसको A से, एंड थर्ड मटेरियल या नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और जब हम प्रिसाइजली मेजर करते हैं चीजों को, तो ये पता चलता है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली। Precise measurement shows that resistance of a conductor or metallic wire is directly proportional to the length of wire and inversely proportional to cross-sectional area. So resistance is proportional, directly proportional to length and inversely proportional to area. इसको अगर हम combine करें तो क्या बोल सकते हैं, resistance is proportional to length upon area. और ये जो proportionality constant है, इसको हम rho से denote करते हैं, ये symbol है rho कहलाता है, where Greek symbol इसको बोला जाता है rho. Is a constant of proportionality and is called resistivity of the material of conductor. रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, इसकी SI यूनिट क्या हो। तो देखो, जो रेजिस्टिविटी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम, और
एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट क्या रहेगी? ओम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है ना, रेजिस्टेंस की ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, लेंथ की मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर इज मीटर, तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि लेंथ बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम होगा, और इस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है। तो अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, इसलिए अगर हम सेम लेंथ और सेम एरिया के वायर बनाएंगे अलग अलग मटेरियल के, तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे किस रेंज में ये रेजिस्टिविटीज होती है मेटल्स की या इंसुलेटर्स की और अलॉयज की। तो रेजिस्टिविटी मेटल्स या अलॉयज की क्या होती है? कम होती है। रेजिस्टिविटी कम होती है मतलब वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे से करंट को कंडक्ट करेंगे, और जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब वो करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे या बहुत कम कंडक्ट करेंगे। Metals and alloys have very low resistivity in the range of 10 raised to the power minus ohm meter to 10 raised to the power minus 6 ohm. मेटल्स या एलॉयज की रेजिस्टिविटी काफी कम होती है इस रेंज में, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 ओम मीटर। और जो इंसुलेटर्स हैं उनकी काफी ज्यादा होती है, इंसुलेटर्स लाइक रबर और ग्लास हैव रेजिस्टिविटी of the order of 10 raised to the power 12 ohm meter to 10 raised to the power 17 ohm meter. So, insulator जैसे rubber या glass होगा, इनकी resistivity काफी ज्यादा होती है, ये current को बहुत कम conduct करेंगे, ये current को बहुत अच्छे से conduct करेंगे, ठीक है। इसमें भी अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग होती है। अच्छा, एलॉयज का मेनली यूज क्या होता है? कि जो एलॉयज हैं इनकी एक तो कंडक्टिविटी कम होती है और ये इजीली बर्न नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो इनको हम वहां पर जनरली यूज करते हैं जहां पर हमें जो करंट है उसको हीट में कन्वर्ट करना है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन्स हो गई, इलेक्ट्रिक केटल्स हो गए, तो वहां पर हम क्या चाहते हैं, करंट हीट की फॉर्म में जो है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो। अब अगर हम नॉर्मल मटेरियल यूज करेंगे तो क्या करते हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बर्न हो जाएंगे, यानी कि वो जो वायर है वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते वैसा हो, इसलिए एलॉयज का यूज किया जाता है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तो ओके अभी हम लिखेंगे। अच्छा, एक और चीज, ये जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर के साथ क्या करता है, वेरी करता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी varies with temperature. For metals के लिए या for metallic conductors के लिए, for metallic conductors, resistance increases with increase of temperature. रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है, इसलिए हमने पहले भी जब लिखा था कि एक गिवन टेम्परेचर के लिए जो वोल्टेज है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि गिवन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर चेंज होने पे रेजिस्टेंस चेंज करता है, और मेटालिक कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर कम होने पे रेजिस्टेंस कम होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा एलॉयज का
हम डिस्कशन करेंगे एलॉयज का क्या यूज होता है। तो वैसे तो एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो जिस कंडक्टर से वो बना है उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मतलब वो कम करंट फ्लो कराएगा लेकिन वो आसानी से बर नहीं होता, ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो जहां भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग के लिए हमें कोई डिवाइस यूज करनी है वहां पर एलॉयज का यूज किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं थोड़ा सा एलॉयज के बारे में, तो यूज ऑफ एलॉयज रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज जनरली higher than that of its constituent metals. Constituent metals में तो जिससे वो बना है, but they do not oxidize or burn easily at high temperatures for this reason they are commonly used in electrical heating devices such as electric iron toasters etc. ठीक है, तो वैसे तो alloys की resistivity थोड़ी सी ज्यादा होती है उन metals के comparison में जिनसे वो बने हुए हैं, लेकिन ये आसानी से बर्न नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो इसलिए जहां भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हाईर टेम्परेचर से एक्वायर होते हैं, वहां पर हम एलॉयज का यूज करते हैं। मतलब हमारे घरों में जो बल्ब यूज होते हैं फिलामेंट वाले, उसमें जो फिलामेंट बनाया जाता है वो मेनली किसका बनाया जाता है, टंगस्टन। ठीक है, नोट करके हम ये भी लिख सकते हैं, फिलामेंट ऑफ electric bulb is made up of tungsten. क्योंकि tungsten का जो melting point है वो काफी high होता है, तो bulb का filament tungsten से बनाया जाता है, और जो electrical connections होते हैं, electrical wirings होती है, वो generally copper और aluminium की होती है। Electrical transmission lines are mainly made up of copper and aluminium. ये थोड़ा सा हमें resistance के बारे में पता होना चाहिए कि वो किन factors पर depend करता है। एक तो लेंथ पर डिपेंड करता है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो मटेरियल की जिस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाता है रो एल बाय ए। अब रेजिस्टिविटी भी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, मेटल्स के लिए काफी कम होती है, इंसुलेटर्स के लिए काफी ज्यादा होती है। बाकी जो मेटल्स हम एलॉयज बनाते हैं, एलॉयज की रेजिस्टिविटी मेटल से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, एलॉयज जलते नहीं आसानी से, इसलिए जहां भी हमें इलेक्ट्रिकल हीटिंग के लिए वायर्स यूज करने हैं तो वो एलॉयज से बनाए जाते हैं। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बनाया जाता है, और जो ट्रांसमिशन लाइन के वायर्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो जनरली कॉपर या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है, How much current will an electric bulb draw from a 220 volt source
if the resistance of a bulb filament is 1200 ohm. Or second part is how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm. Now, वैसे numericals में क्या करेंगे? तो first तो यही कि हम given जो है वो लिख लें. तो क्या given है हमको? हमें current given है. Sorry, current हमें find करना है. Potential difference given है 220 volt और resistance given है 1200 ohm. तो हमने क्या देखा कि जो I है उसको हम V by R लिखते हैं ohms law से. जैसे V is equal to I R, R is equal to V by I. तो I को क्या लिख सकते हैं? V by R. 220 volt upon 1200 ohm. कैंसिल हो जाएगा. 2 से कैंसिल करो ये 11 आ जाएगा. क्या रहेगा? 60. तो ये जो करंट आएगा इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.18 एम्पीयर ये करंट की वैल्यू बनेगी. वैसे दूसरे पार्ट में ये हमें करंट फाइंड करना है. पोटेंशियल डिफरेंस सेम दे रखा है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम. तो जो करंट रिक्वायर्ड होगा V by R से कितना रहेगा? 220 वोल्ट अपॉन 100 ओम. ये रहेगा 2.2 एम्पीयर. तो हम देख भी सकते हैं कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वो अलग अलग करंट जो है वो ड्रॉ करेगी. क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पीयर फ्रॉम द सोर्स. व्हाट करंट डज द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट. देखो वैसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसमें क्या फिक्स होगा? उसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा. अगर हम वोल्टेज चेंज करेंगे मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो करंट चेंज हो जाएगा लेकिन जो चीज फिक्स रहेगी वो रेजिस्टेंस. जैसे एक बल्ब है बल्ब में भी अंदर जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे तो करंट बदल जाएगा. तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने से करंट तो चेंज हो जाएगा लेकिन रेजिस्टेंस जो है डिवाइस का वो फिक्स रहेगा क्योंकि वो उसके जो भी कॉइल है उसकी प्रॉपर्टी. और हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किया तो मतलब हमने कॉइल की लेंथ चेंज की ना कॉइल का एरिया चेंज किया ना उसका मटेरियल चेंज किया तो रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा. और इसमें क्या गिवन है हमको? इनिशियल पोटेंशियल उसको V1 बोल दें. इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट. कितना करंट ड्रॉ हो रहा है इनिशियली? 4 एम्पीयर उसको I1 बोल दें. तो यहां से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या लिख सकते हैं? V1 अपॉन I1 क्योंकि V होता है IR. तो V1 है 60 वोल्ट करंट है 4 एम्पीयर तो 60/4 15 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा. अब नेक्स्ट केस में वोल्टेज हमने बदल दी कितनी कर दी? 120 वोल्ट. अच्छा रेजिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि वो कॉइल की प्रॉपर्टी. करंट बदल जाएगा तो जो नया करंट है वो क्या हो जाएगा? V2/R. ठीक है ना? सब में ओम्स लॉ लगेगा. क्या होता है ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर. जरूरत पड़ने पे इसको R इज इक्वल टू V बाय आई, आई इज इक्वल टू V बाय आर जैसा हमको कन्वीनियंट हो वैसा लिख सकते हैं. यहाँ पे V2 कितना हो गया? 120 वोल्ट. रेजिस्टेंस कितना हो गया? 15 ओम. 15 से 120 को अगर कैंसिल करेंगे तो क्या रहेगा? 8 एम्पीयर. तो जो अब करंट फ्लो करेगा वो 8 एम्पीयर हो जाएगा. क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 50 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस. इफ डायमीटर ऑफ वायर इज 1 मिलीमीटर what will be the resistivity of the metal at that temperature. तो देखो given क्या क्या है वो लिख लें. तो resistance given है 50 ohm. temperature की कोई जरूरत नहीं है हमको. diameter of wire given, diameter 1 millimeter है. यहां से अगर हम radius निकालें तो radius आ जाता है diameter by 2. तो 1 by 2 millimeter. अच्छा लेकिन ऐसा unit meter होती है इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 10⁻³ मीटर. 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर. और हमें क्या निकालना है? रेजिस्टिविटी. हम ये फॉर्मूला जानते हैं
कि रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए। अच्छा वायर जो है जनरली वायर कैसी होती है, सिलेंड्रिकल, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो क्या आएगा, सर्कुलर। तो रेजिस्टिविटी जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर ए बाय एल, ठीक है। और लेंथ भी हमें गिवन है 1 मीटर। अच्छा एरिया जो है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, तो सिलेंडर जब हम क्रॉस करेंगे तो सर्कल मिलेगा, उसके एरिया क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये रेजिस्टिविटी हो जाएगी। रेजिस्टिविटी वैल्यू सब्सक्रिप्ट करें तो आर कितना है, 50 इंटू पाई। आर की वैल्यू ये थी, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 × 10⁻⁶। और लेंथ कितनी थी, 1। तो ये आ जाएगा 4 से 50 को अगर कैंसिल करेंगे, 12.5 × 10⁻⁶ ओम मीटर। और पाई की वैल्यू भी जरूरत पड़े तो हम 3.14 या 22/7 लिख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी रख सकते हैं। क्वेश्चन है, अ 8 ओम वायर इज डबल्ड ऑन, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो पहला क्वेश्चन समझे, एक वायर है 8 ओम, इसकी लेंथ है एल, एरिया है, रेजिस्टिविटी है रो, इसको हमने डबल कर दिया, डबल मतलब इसको फोल्ड कर दिया हमने इस तरह से, ठीक है, फोल्ड कर दिया। अब इसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो जो 8 ओम था रेजिस्टेंस पुराना वो क्या होगा, रो एल बाय ए, अब वो 8 ओम था। अब हमने अगर इसको डबल कर दिया तो इसकी लेंथ आधी हो जाएगी, लेकिन एरिया इसका डबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक वायर को हम फोल्ड करेंगे तो टोटल एरिया है वो डबल हो जाएगा, लेंथ आधी हो गई। अच्छा रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो रेजिस्टिविटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है उसको हम आर वन बोल दें, तो हो जाएगा रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ, नई लेंथ कितनी हो गई, एल बाय टू अपॉन एरिया, नया एरिया कितना हो गया, 2, तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन 4। रो एल बाई ए की वैल्यू कितनी थी, 8 ओम, ये आ गया 4, तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 2 ओम, ठीक है। तो अगर ऐसे हम वायर को फोल्ड कर देंगे तो उसका जो नया रेजिस्टेंस है, अगर पहले 8 ओम था तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है।